हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल वाला बटन दबाइए और साथ में बेल के आइकन को इनेबल कर दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सुचन आरो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की कुछ ताज़ी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों आपको पता चले कि आज की वीडियो थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि आम तौर पर हम सुबह वीडियो आपको अपलोड कर देते हैं, लेकिन आज की वीडियो थोड़ा लेट हो गई है, सुबह में टाइम नहीं मिल पाया इसकी वजह से आज की वीडियो लेट हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ और देखते हैं आज की क्या खास न्यूज़ हैं। रियाद, सऊदी महकमे पासपोर्ट ने वाजे किया है कि खानदान का सरबरा बैरून मुल्क खुरुज ओहदा पर मौजूद अपनी फैमिली का खुरुज निहाई लगा सकता है। फैमिली फीस का बोझ बर्दाश्त ना कर सकने वाले गैर मुल्की खुरुज ओहदा पर गई हुई फैमिली को वापस बुलाए बिना खुरुज निहाई लगा सकते हैं। महकमे पासपोर्ट से सऊदी अरब में मौजूद एक मुकीम गैर मुल्की ने ऑनलाइन सवाल किया था कि उसकी फैमिली खुरुज ओहदा पर वतन गई हुई है, अभी तक सऊदी अरब से बाहर है, वो उन्हें वापस बुलाना नहीं चाहते। हालात इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे कि अपनी फैमिली को बुलाकर उनके साथ रह सकें, तो वो अपनी बीवी बच्चों का मुमलकत से बाहर होने की हालत में खुरुज निहाई लगा सकता है या नहीं। महकमे पासपोर्ट ने बताया फैमिली का सरबरा इसी हालत में खुरुज निहाई लगा सकता है जब उसकी फैमिली मुमलकत से बाहर हो। नजरान, रियाद रीजन रोड के सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरदर मुल्क यमन से आने वाले आजमीन की कफालाबंदी और फिर शहर मुकद्दस तक उन्हें पहुंचाने और बाहिफाजत ले जाने की मुहिम अंजाम दे रहे हैं। यमनी आजमीन ने शानदार इस्तकबाल और सलामती इंतजाम पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। रियाद, अरब न्यूज और राबता आलमी इस्लामी ने हज 2018 एप्लीकेशन जारी कर दी, या स्मार्टफोन पर हासिल होगी। हज मौसम के दौरान इससे फ़ायदा उठाया जा सकेगा। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर, ईओएस, एंड्रॉयड पर मुफ्त है, यहां से डाउनलोड की जा सकेगी। इसकी बदौलत आजमीन ताज़ा तरीन खबरें हासिल कर सकते हैं, रास्ता भूल जाने वाले अपने साथी को तलाश कर सकते हैं, रास्ता भूल जाने वाला हाजी इसकी बदौलत हर वक्त अपने घर वालों से रابطے में रह सकते हैं। इस एप्लीकेशन में इमरजेंसी नंबर, सिफारत खानों की जानकारी, हज मौसम के दौरान खिदमत पेश करने वाले अहम इदारों से मुतालिक मालूमात इकट्ठा की गई है, कुरान और दुआ का इजाफा किया गया है, करेंसी से मुतालिक मालूमात भी दी गई है। ताइफ, ख्वातीन के एक ग्रुप ने आसपास के पार्कों को लिंडा बाजार में तब्दील कर दिया। ताइफ के अलोसा मोहल्ले में पार्क पुराने कपड़ों के बाजार बन गए हैं। ऐसा लगता है ये वारदात गैर मुल्की ख्वातीन की है, वो अलग अलग घरों से मिलने वाले पुराने कपड़े हासिल करके बेच रही हैं। कपड़े दरख्तों पर लटकाए हुए हैं, इससे पार्कों का मंजर इंतहाई बुरा लगने लगा है। मुकामी माहरीन ने खबरदार किया है कि पुराने कपड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं, मुमकिन है उन्हें बीमारियों में मौजूद ख्वातीनों ने इस्तेमाल किया हो। रियाद, वजारत मेहनत ने नए साल से शुरू की जाने वाली 12 सेंटरों में सऊदी जैसन का लिस्ट जारी कर दिया है। बता दिया है कि इन सेंटरों में कब कब सऊदी जैसन किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता चलें कि इन 12 सेंटरों में कब सऊदी जैसन होगा उसकी लिस्ट आ चुकी है। तो हम आपको यहाँ बता देते हैं कि उन 12 सेंटरों में कब सऊदी जैसन किया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले 1 मुहर्रम से ऑटोमोबाइल एवं बाइक शॉप, होम फर्नीचर एवं रेडीमेड ऑफिस मटेरियल, रेडीमेड गारमेंट, बर्तन की दुकान, इन सब शोबों में 1 मुहर्रम से सऊदी जैसन होगा। उसके बाद दोस्तों इस्लामी साल के तीसरे महीने में इलेक्ट्रॉनिक शॉप, घड़ियों की दुकान, चश्मे की दुकान, इन शोबों में सऊदी जैसन होगा। उसके बाद दोस्तों इस्लामी साल के पाँचवें महीने में मेडिकल स्टोर, बिल्डिंग मटेरियल, कार रिपेयर पार्ट्स, कारपेट शॉप, केक और पेस्ट्री की दुकान। मक्का मुकरमा, मीनारुल मुसायर और अजाहुल मुसायर की कंपनियों ने हज मौसम के दौरान मक्का मुकरमा के अल मोसिन और अल असिकिया निस्बा के लिए 5,000 लोगों को मुलाजिमत का ऐलान कर दिया। 3,000 कसाब, 1,500 सफाई कारकुन और 500 गिनती करने वाले हैं। दरखास्तें रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक अल असिकिया के दफ्तर में मसूल की जाएगी। मक्का मुकरमा, मक्का मुकरमा में इंसदाद मंसियात के अहलकारों ने 2 सऊदियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 3,000 से ज़्यादा नशावर गोलियां बरामद करके जब्त कर ली। जानकारी के मुताबिक अहलकारों ने एक गाड़ी पर शक हो गया था, तलाशी ली तो उसमें प्लास्टिक की एक थैली बरामद हुई। उसे गाड़ी के आगे हिस्से में इंतहाई फनकाराना तरीके से रखा गया था, इसमें 3,000 से ज़्यादा नशावर गोलियाँ रखी हुई थी।